जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास दसवीं के सैंपल पेपर को देखने वाले हैं। सैंपल पेपर का जो है साइंस सैंपल पेपर का सेट वन देखने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ के, टोटल इसमें 48 प्रश्न होंगे और 48 का भी हम क्वेश्चन आंसर आपको आंसर सहित बताएंगे कैसे क्या होता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो दोस्तों, इसका कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, ये हो जाएगा अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दूसरा नंबर क्या है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तो परितात्रिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए करते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा दिखाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, अवतल दर्पण। तो चलिए अब चौथा प्रश्न है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो हम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस को हम लेना पसंद करेंगे। तो अब चलिए पांचवा प्रश्न कहता है, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है कितना होता है? विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो इसका हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो चलिए छठा सवाल, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी सी। चलिए आप देखते हैं सातवां प्रश्न, प्रश्न का सात कहता है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। प्रश्न संख्या आठ है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नौ है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो कितना है? 50 Hz, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10⁻⁶ एम्पियर वाला होता है। तो चलिए 11वां प्रश्न की ओर चलते हैं,
प्रश्न संख्या 11 है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितित ऊर्जा को रूपांतरित करता है जल विद्युत संयंत्र। तो चलिए अब 12वां क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है यूनिट, इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 13वां प्रश्न है, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है, समान नेत्र के लिए कितना दूर बिंदु होता है, तो इसका हो जाता है अनंत, क्योंकि आप जहां तक भी देख सकते हैं वही आपका समान नेत्र है। तो चलिए अब हम 14वां प्रश्न को देखते हैं। तो 14वां प्रश्न है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। 15वां प्रश्न है, किस वर्ण रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, किस वर्ण रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, तो इसका हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पचय दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का। 17वां प्रश्न है, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा, इन सभी चीज़ को ये करता है। तो प्रश्न संख्या 18वां है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो इसका हो जाएगा Na, सोडियम। इसके बाद है 19वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ऑप्शन नंबर सी सही है। 20, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है, तो H2SO4 प्रबल अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो इसका आंसर हो जाएगा CaOH2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए अब 24वां प्रश्न देखते हैं, प्रोपेन में उपस्थित पर्याकर्त्मक समूह है, प्रोपेन का क्या होता है पर्याकर्त्मक समूह, तो प्रोपेन का पर्याकर्त्मक समूह हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ऐसे होता है, इधर से भी कुछ जुड़ता है और इधर से भी जुड़ता है। तो अब प्रश्न संख्या 25वां है, एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम होता है एथेनोइक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी ओ एच सिंगल बॉन्ड खाली। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 है। ऑक्सेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो टमाटर है, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। तो 28वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वस्तंभ है? तो 18 होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद 29वां प्रश्न है, जब मैग्नीशियम पीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है नीली हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम 30वां प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 है, लोहा पर जिंक लोपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वनीकरणीय होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 31वां प्रश्न है, नीम में कौन सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक CH4 होता है। तो चलिए इस ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 32वां प्रश्न है, नीम में कौन भस्म नहीं है? CaO भस्म है, NaCl भस्म है, NaOH ये भस्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नीम में से कौन सा भस्म नहीं है, NaOH नहीं होगा बल्कि NaCl होगा। तो भूल हो गई थी, ठीक है, क्षमा कीजिएगा। तो अब चलते हैं 33वां प्रश्न के ओर। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा लैंगिक जनन होता है। नीम में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, आँख, अंग्याशय, इनमें से कोई नहीं। इसका वृक्क आंसर हो जाएगा। शुक्राणु बनता है वृषण में। प्रश्न संख्या 35 हो गया। 36 चलते आप। नीम में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसके बाद है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पुष्प का नर जनन अंग होता है। 39 अब पुष्प का नर जनन अंग होता है पुंकेसर नर जनन अंग होता है। 40वां है, उभयलिंग जीव है केचुआ, जो धरती पर रेंगता है वही है। 41वां प्रश्न है, पृथ्वी पर
ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 42 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है। निम्नलिखित में नर युग्मज कौन है? निम्नलिखित में नर युग्मज कौन है? शुक्राणु, अंडाणु, योनि, अंडाशय। दोस्तों ये सब स्त्री यानी कि लड़की में पाया जाता है, शुक्राणु ही लड़का में पाया जाता है, तो नर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है जिबरेलिन है, जिबरेलिन क्या है? पादप हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये होता है यीस्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन का कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन का कारण होता है? तो इसका हो जाएगा ए बी ए, हार्मोन का नाम है ए बी ए, इसी के कारण होता है, पत्तियों का मुरझाना होता है, इसी के कारण पत्ती मुरझा जाता है, पेड़ का पत्ती। तो प्रश्न संख्या 46 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? खाली स्थान को सीपेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसके बाद है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा भोजन संवहन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद आखिरी और लास्ट प्रश्न है 38, ये लास्ट प्रश्न है, साइंस में 48 प्रश्न ही रहता है, तो 48वां प्रश्न है अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है? तो फेलोपिन नलिका में, फेलोपिन नलिका में निषेचित होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्न सीख गए होंगे और अच्छा से देख भी लिए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो देखने में तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का आप सैंपल टू वीडियो जो है कल 10 बजे सुबह चढ़ जाएगा, अपलोड हो जाएगा चैनल पर, इसी चैनल पर, तो आप लोग आइएगा 10:30 बजे, 9:30 बजे और देख लीजिएगा वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।